वेलकम टू योर क्लास बच्चे। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है। इफ एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन में दे दिया आपको कि क्या है x माइनस वन, क्या है फैक्टर है पी एक्स का। इसका मतलब जो हमारा पी एक्स बाद में निकल कर आएगा x की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद, तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। हमें इक्वेशन पहले ही दे रखी है कि वो इसका फैक्टर है और हमें सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब ये इसका फैक्टर है तो हम इसकी इज इक्वल टू में क्या लेके चलेंगे? जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो एक्स इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। अब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? वन रखनी है। ठीक है, अब कुछ करते हैं, पी वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर और यहाँ पर हमारा पी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने हमें कंडीशन दे दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर वन पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जीरो के इक्वल करके देखते हैं, वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। वन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू। प्लस के इज इक्वल टू जीरो, देन के इज इक्वल टू माइनस टू। इसमें हमारी के की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसका एक और पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, पी एक्स हमें दे रखा है। ठीक है, हमारा ये इस पी एक्स का फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे? वही एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, तो पी वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स को वन पुट करने पर हमारे पास जीरो आंसर है। ठीक है, तो हम इसमें पुट करते हैं के वन स्क्वायर माइनस रूट टू वन प्लस वन। ये किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। ठीक है, आगे करो के माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले जाएंगे इज इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन और ये के, यहाँ माइनस था यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस था यहाँ जाकर माइनस, के की वैल्यू आ गई रूट टू माइनस वन। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाकी के पार्ट्स करने हैं। इसी तरह से उसको जीरो के इक्वल पुट करके के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड थे वो थोड़े मिलते जुलते थे। अब आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ करना है और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फैक्टराइज। तो इसको ध्यान से समझना कि फैक्टराइज हम कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज समझना है। तो अभी देखो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है? हमारे ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, और ये कैसे है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म का जो ये कोफिशिएंट है और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है, इन दोनों कोफिशिएंट को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 into 1 क्या आता है? 12। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? हम किन किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 12 आ जाए? तो किसको कर सकते हैं? 4 into 3। ठीक है, 6 into 12। बताओ इससे ज़्यादा हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर 12 आ जाए? नहीं, इसे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो अब हमें ये देखना है कि हमने इन दोनों को तो कर दिया मल्टीप्लाई और हमारे पास आ गया 12। अब हमें इस 12 के हमने फैक्टर बना लिए। अब जो हमारी मिडिल टर्म है, हमें इस मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये फैक्टर आए और जब हम क्या करें, प्लस या माइनस करें। अब जो इन फैक्टर्स को, ये जो फैक्टर्स हैं, इनको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए? माइनस 7 आना चाहिए।
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे नंबर आएगा उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। और उन फैक्टर्स को इस तरह से हमें यूज करना है कि जो उनकी मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है ये आ जाए, इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर हमारी मिडिल टर्म आ जाए। हम क्या करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें करना है। अब देखो हमारे पास में अभी 12 है, ये 1 है। अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो 13 और माइनस करती हूँ तो 11। क्या 12 आ रहा है, सॉरी 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 + 3 = 7, ठीक है। और अगर मैं इसमें से 3 में से 4 माइनस करती हूँ तो क्या आ रहा है, 1। तो अब देखो प्लस करने पर 7 आ रहा है, आ रहा है ना। तो अब हम इसमें ही कुछ देखेंगे, पहले हम लास्ट वाला देखते हैं। 6 × 2 12 तो होता है, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 और 2 माइनस करेंगे तो 4, 7 नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इस वाली टर्म में देखो 4 + 3 करने पर हमारे पास 7 आ रहा है, आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए कैसा, माइनस 7। कैसे चाहिए, माइनस 7। तो अब हम इन डिजिट्स में क्या करेंगे, हमारे पास माइनस 7 आ जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर मैंने माइनस 4 + -3, अगर देखना यहाँ प्लस दे -4 + अगर ये देखते तो माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसा कर नहीं सकते, करना हमें प्लस ही है। तो हम क्या करेंगे, -4 - 3 क्या हो जाएगा, -4 - 3 -7। और यही तो हमें चाहिए, यही चाहिए ना। सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट क्लास टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर जो टर्म आए उसके फैक्टर्स बनाए, फिर हमारी जो मिडिल टर्म थी इनको प्लस या माइनस करने पर हमारी मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो हमने उस टर्म्स को ढूंढा और फिर इस वजह से आ गया, ठीक है। ये डिजिट्स आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट, ठीक है। अब आपको इन सबको स्प्लिट करना है। आप देखो कैसे लिखोगे, क्या लिखेंगे, 12 x². अब आपने -7x को तो स्प्लिट कर दिया किसमें, -3x - 4x + 1, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो हमें करना क्या है, ये हमने 7 वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब हमें आगे की दोनों टर्म में से और पीछे की दोनों टर्म में से कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखो कॉमन किस तरह से लेना है, आप देखोगे 12 है और ये 3 है। अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले, तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3। मैंने यहाँ पे ले लिया 3x, भाई x इधर भी है इधर भी है ना, और 12 के फैक्टर में भी 4 और 3 आता है, तो 3 हमने इधर से भी ले लिया और इधर से भी ले लिया, x इसके पास भी हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 4x, क्योंकि यहाँ x² है, -3x को 3x से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, ये आ गया 1। अब जो आगे हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे ना, वो हमें ऐसा कॉमन लेना है कि जो हमारी ब्रैकेट वाली टर्म है ये सेम हो, ठीक है। ब्रैकेट वाली टर्म कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ कि हमारे अंदर यही टर्म बच जाए। अब देखो अगर मैंने यहाँ इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो -1। अब हम कॉमन लेने का मतलब क्या, उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, -4x / -1, यही तो कर रहे हैं, कर दिया तो क्या बचेगा, 4x। अब ये है +1 - 1, कर देंगे -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, -1, यही तो बचेगा। तो हमने इन दोनों में से क्या ले लिया, -1 कॉमन ले लिया इसमें से। अब देखो हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या आ गई, सेम आ गई, है ना। और हमें यही चाहिए था। अब हमें देखो फैक्टर्स कैसे करेंगे, 3x - 1, ठीक है, ये वाली और इन दोनों को मिला दो तो ये बन गया, और ये दोनों सेम है, नेक्स्ट क्या बन गया, 4x - 1, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर्स को, अब हम इन दोनों फैक्टर से x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, ठीक है। इसको भी इसी तरह से करेंगे, 4x - 1 = 0, x = 1/3, ठीक है। हमने ये x की वैल्यू निकाल दी, इसकी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमने ये वैल्यू इसमें पुट करी तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझना इस चीज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको देखते हैं। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 × 6। ठीक है, आपको 6 की फैक्टर बनाना है, तो क्या क्या बन सकते हैं, 6 × 1 = 6 और 2 × 3 = 6 और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप है इनको प्लस या माइनस करें। ठीक है, इनको इनको प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो आप करते हैं 6 + 1 = 7 ये आ रहा है। अब और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 − 1 = 5 हमें चाहिए, 2 + 3 = 5 और 2 − 3 = 1 हमें चाहिए क्या, 7। तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 = 7 हमें प्लस का ही 7 चाहिए था, तो हमें प्लस का 7 सिंपली मिल गया। ठीक है, अब हम अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इसके अंदर 6 और 1। ठीक है, तो अब चलो क्या से लिखेंगे इस इक्वेशन को, 2x² + 6x + 1x + 3 लिख दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखो आगे इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, क्योंकि क्योंकि क्या क्या है, 6 की क्या फैक्टर है, 2 और 3, तो 6 में भी क्या आता है, 2 और 3 आता है। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया क्योंकि x दोनों साइड है। ठीक है, ये तो बच गया क्या, x प्लस ये क्या बनेगा, 3। ठीक है, 3 बच गया। अब देखो नेक्स्ट में से, अब हमें पहले इन दोनों से कॉमन लेना था, इन दोनों से क्या कॉमन लूं कि अंदर हमारे पास ये बच जाए, 1 कॉमन लिया और ये क्या बचेगा, x + 3। आया अच्छे से समझ में? ठीक है, हमने क्योंकि बीच की जो टर्म्स हैं दोनों को क्या करना है, सेम करना है, आगे दोनों सेम। अब देखो क्या करना है, दोनों को साथ लिख देंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, 2x + 1 और नेक्स्ट क्या है, x + 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल, 2x + 1 = 0, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, −1/2 और नेक्स्ट में क्या आ जाएगी, x + 3 = 0, x = −3। ये हमारी क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 के सारे जो 4 पार्ट्स हैं इसके, उनमें से फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिया है, बाकी पार्ट्स सेम ऐसे ही होंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th भी क्या है, फैक्टराइज। लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 4th में देखा होगा वो कैसी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये क्या है, क्यूबिक। अब क्वाड्रेटिक में तो आपने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्रेड कर लिया। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 5th है इसके अंदर कैसे क्यूबिक, अब हम क्यूबिक में किसको स्प्रेड कर सकते हैं, मिडिल भी ये भी है ये भी है, तो इसके लिए हम कौन सा मैथड यूज करेंगे, बाई ट्रायल मैथड। ठीक है, अब देखो ट्रायल मैथड के अंदर हमें क्या करना है, देखो जो लास्ट की जो टर्म है ना, इस लास्ट की टर्म के फैक्टर बनाना है। ठीक है, लास्ट की टर्म में 2 है, 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 2 है ना, यही इसके फैक्टर्स होते हैं। तो अब इनको देखो, सबसे पहले अब हमें ट्रायल करके देखना है, हम देखो सबसे पहले हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब 1 ले लिया तो x + 1 या तो x + 1 उसका होगा फैक्टर, ठीक है, या x + 2 होगा उसका फैक्टर। ठीक है, इस तरह से हमें ट्रायल करके देखना है। अब देखो सबसे पहले हम इसको लेते हैं क्योंकि ये इसके फैक्टर है। ठीक है, अब देखते हैं x + 1। ठीक है, अब हमें देखना है x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। अब देखो x + 1 को अगर हमने 0 के इक्वल रखा, ठीक है, तो x = −1, x की वैल्यू क्या आ गई, −1 आ गई। अब देखो −1 को इस पॉलीनोमियल में पुट करना है। ठीक है, हमें ये देखना है, चेक करना है x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब हम लेट करते हैं px = x³ − 2x² − x + 2। ठीक है, चलो पुट करते हैं, p −1
माइनस वन क्यूब माइनस टू माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, ये है। अब आगे करो इसको सॉल्व। माइनस वन ये हो जाएगा माइनस वन और ये क्या हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस वन और ये प्लस टू। सिंपल है, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल, क्या आ रहा आंसर जीरो। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये क्या है, एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है। तो अब हमें एक फैक्टर तो बाय ट्रायल मेथड से मिल गया, तो हम नेक्स्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये मिल गया हमें एक्स प्लस वन का इसका फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर हम इसको कैसे निकालेंगे, बाय डिविजन। ठीक है, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। एक्स प्लस वन को हम डिवाइड करेंगे इस पॉलीनोमियल को, क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, अब देखो हमें जो ये फर्स्ट टर्म है इसको क्या बनाना है, एक्स की क्यूब। अब हम इस एक्स को ऐसे किसी चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया। और जब हमें वन पीस से ली तो ये क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज। साइन चेंज कर दिए, ये दोनों चीज कैंसिल होगी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन माइनस। सारी क्या उसमें है। अब देखो, अब हमें x को ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर आ जाए। किससे करेंगे, माइनस थ्री और x से, क्योंकि x की मल्टीप्लाई से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, वन की करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री एक्स। साइन चेंज, ये कैंसिल हो गए, उसके बाद ये है प्लस और ये प्लस और ये है माइनस, तो क्या आ जाएगा टू एक्स, क्योंकि बड़ी डिजिट प्लस की है तो यहाँ पे प्लस ऊपर से टू। अब हम इस एक्स प्लस वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से, क्योंकि हमें टू एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हो गया टू एक्स प्लस टू और ये साइन चेंज जीरो, ये हमारे पास आ गया जीरो। अब ये देखो हमारा जो क्वेश्चन आया है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया, ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने आते हैं, बना सकते हैं, किस तरह से बनाएंगे। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है ये हो गया। फिर इसको किस तरह से करते जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करते हैं, इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया टू। टू के क्या फैक्टर हो सकते हैं, वन इंटू टू, इसके अलावा तो कुछ नहीं, और टू प्लस वन क्या होता है थ्री। ठीक है, तब हम थ्री को स्प्लिट कर सकते हैं वन और टू में, तो एक्स स्क्वेयर। अब हमें माइनस थ्री चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस टू और माइनस वन, एक्स चाहिए दोनों के साथ और प्लस टू। ठीक है, अब देखो क्या ये हो सकता है, हो सकता है। अब इसमें से x कॉमन ले लिया, आ गया यहाँ पर x माइनस टू। ठीक है, और इन दोनों से फिर क्या कॉमन ले लिया, माइनस वन कॉमन ले लिया, तो x माइनस टू आ गया दोनों ब्रैकेट के अंदर से। अब देखो हमारे क्या क्या फैक्टर बन गए, x माइनस वन एंड x माइनस टू, ये हमारे फैक्टर बन गए। तो हमारे थ्री फैक्टर्स क्या आ गए,
दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर